साफ। इसीलिए हम सरकार पे आरोप लगाते हैं कि सरकार जो है ऐसे लोगों को जो है संरक्षण दे रही है। और मेरे कुछ सवाल हैं नीतीश कुमार जी से। एसआईटी गठित किया गया है, एसआईटी गठित किया गया है, लेकिन क्या टाइम ड्यूरेशन रहेगा उसकी गिरफ्तारी का? कब तक गिरफ्तार होगा पप्पू पांडे? आखिर मुख्यमंत्री जी कौन सा शुभ मुहूर्त देख रहे हैं? और आज तक जितने भी आरोपी हुए पुलिस ने कभी भी गिरफ्तार नहीं किया, चाहे कोई भी मामला हो, बालिका गृह का मामला हो या सृजन घोटाले का मामला हो, सब लोगों को कागज जो है उसका लीपापोती करा करके, सबूत को नष्ट कर करके उसको जो है पूरी तरीके से फिर बाद में सरेंडर करा दिया जाता है। तो मेरा सवाल है कि अपराधी बेलगाम है और ये सरकार जो है लगातार विधायक को बचाने का काम कर रही है, आखिर कोई टाइम फ्रेम तो होगा? या ये मामला भी और जैसे मामले जैसे दबा दिए गए, इस मामले को भी दबा दिया जाएगा? नेम्ड एफआईआर है, साक्ष है, आई विटनेस है, सब कोई बोल रहा है, लेकिन आखिर कौन सा प्रेम है, कौन सा प्रेम है नीतीश कुमार जी को कि बचाने का काम कर रहे हैं? और बीजेपी की क्या मजबूरी है कि उनके नेताओं को मार दिया जा रहा है, धमका दिया जा रहा है, तो वो चुप्पी साधे हुए? और देखिए अभी तक आदरणीय पुलिस की, जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर की, जिसके पास जो हेड है, जो कमांडर है, जो डीजीपी है, अब तक पूरे मामले में एक बयान भी नहीं किया है, दिया गया है। अभी भी डीजीपी महोदय जो है पूरी तरीके से जो है चुप्पी साधने का काम किया है। और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिहार में कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे। आखिर क्या मजबूरी है, क्यों पूरा पुलिस महकमा चुप है इस मामले में, क्यों मामले को दबाया जा रहा है? आप देखिएगा, हमारी मांग है कि विधायक जो है पप्पू पांडे, जो आदतन अपराधी है, उसके 3 महीने का कॉल रिकॉर्ड निकाला जाए और कोशिश ये भी की जाए कि व्हाट्सएप कॉल का डिटेल भी निकाला जाए। पता चल जाएगा किन किन लोगों से, किन किन बड़े बड़े अधिकारियों से वो बात करता था, किन किन लोगों को जो है वो मदद के लिए फोन करता था, कौन कौन लोग जो है उनको बचाने का काम करते थे। ये कॉल डिटेल, कॉल रिकॉर्ड, और कोशिश की जाए, क्योंकि आजकल अपराधी इतने शातिर हो गए हैं कि व्हाट्सएप का भी बड़ा अच्छे से इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको ट्रेस ना कर किया जा सके। तो कोशिश की जाए कि उसका भी जो है कॉल डिटेलिंग निकाला जाए। और हम पूछना चाहते हैं कि आईजी रहते हुए किस अधिकारी ने, आईजी रहते हुए किस अधिकारी ने पप्पू पांडे को बचाने का काम किया शुरुआती दौर से? उसके मामले को किसने जो है ठंडा किया ताकि वो बिहार में और अपराध करता रहे? गोपालगंज की स्थिति हम लोगों के सामने है। अगर वो अरेस्ट नहीं होता है तो हम लोग जो है इसके लिए केवल एक मामले को लेकर, हम लोगों का संकल्प है कि बिहार को अपराध मुक्त बनाना है, हम लोगों का संकल्प है कि गोपालगंज को अपराध मुक्त बनाना है। लेकिन अपराधी जो विधायक है, सत्ता ही जब प्रोटेक्ट कर रही है अपराधियों को, तो क्या हम लोग आशा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए ये सवाल जायज है कि मुख्यमंत्री टाइम फ्रेम बताएं, कॉल रिकॉर्ड निकलवाएं, डीजीपी जो है अपना स्टेटमेंट दे, चुप्पी तोड़े, और मुख्यमंत्री जी ने आपका मोबाइल,